नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न नंबर 2, हम इसका तीसरा भाग कर रहे हैं। हमें यह एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसमें हमें x, y और z निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस मध्य में देखिए, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है, तो इसके बिल्कुल उल्ट वाला जो कोण x है, यह कितना होगा? यह भी 90 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है एक दूसरे, जहाँ भी इस प्रकार से काटा बनता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, है ना? इन्हीं को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि यह 90 डिग्री है तो x भी 90 डिग्री के बराबर होगा। इसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए x बराबर 90 डिग्री, इसका हम ब्रैकेट में कारण लिख देंगे, शीर्ष अभिमुख कोण के बराबर है। यह शीर्ष अभिमुख कोण है दोनों, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हमें पता चला कि x जो है वह 90 डिग्री के बराबर है। अब आप बच्चों ये त्रिभुज देखिए, यह वाला त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में तीन कोण है, x, y और 30। तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका मतलब x प्लस y प्लस 30 डिग्री, यह 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमें हर एक चीज़ का बच्चों रीज़न बताना है साथ में। तो हम लिख देंगे, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए x प्लस y प्लस 30 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहां से x कितना है? 90। y कितना है हमें नहीं पता, 30 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। 90 और 30 कितना हो गया? 120 हो गया। 120 डिग्री y के साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या, लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? y। समझे बच्चों? 90 डिग्री और 30 डिग्री आपस में प्लस होके 120 डिग्री बन जाएंगे, और ये y के साथ प्लस हो रहे थे इसलिए बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया, 180 डिग्री में से 120 डिग्री निकाल दो तो बाकी बच गया 60 डिग्री। तो y हमारे पास आ गया है 60 डिग्री के बराबर। अब हमें ढूंढना है इसका तीसरा कोण, जो कि है z। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो लाइन है मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ, ये जो लाइन है इसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप बाकी फिगर को भूल जीजिए, जो मैंने बनाया सिर्फ उसको देखिए। यह लाइन और यह लाइन, ये दो लाइनें मैंने यहाँ बनाई। ये बीच में एक तिर्यक रेखा है जो इनको काट रही है, यह वाली। इस तिर्यक रेखा के यहाँ पर कोण है वाई और यहाँ पर कोण है जेड। अब ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कैसे कोण बन गए? एकांतर अंतः कोण बन गए। और यदि रेखाएं समांतर हों तो एकांतर अंतः कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण जेड है ये वाई के बराबर होगा, ये जो जेड कोण है ये वाई कोण के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा जेड बराबर वाई, ब्रैकेट में हम इसका कारण बताएंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, एकांतर अंतः कोण, इसका मतलब है z भी किसके बराबर आ जाएगा? y के। और y कितने डिग्री हमने निकाला था? 60 डिग्री। तो देखिए इस प्रश्न में हमें x, y और z निकालने थे। देखिए हमने यहाँ पर ये निकाला है x 90 डिग्री के बराबर, ये निकाला है y 60 डिग्री के बराबर, और यह निकाला है z, ये भी 60 डिग्री के बराबर। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में x, y और z तीनों निकाले हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न देखने हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।